हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट निकली हुई है जनरल ड्यूटी कॉमर्शियल पायलट टेक्निकल स्ट्रीम में वैकेंसी निकली हुई है आइए देखते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी एज लिमिट क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा आप डायरेक्टली इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो सबसे पहली वैकेंसी निकली हुई जनरल ड्यूटी के लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एक जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो यहां यहां केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ और आपके मिनिमम 60 परसेंट मार्क्स है इसी के साथ अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट है कॉमर्शियल पायलट एंट्री सी पी एस एस ए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एक जुलाई नाइनटीन से लेकर 30 जून 2003 के बीच है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो यहां मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी एक वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि डी के द्वारा वैलिडेटेड uh, हो और इसी के साथ अगर आपने ट्वेल्थ पास किया हुआ है और आपने फ़िजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है विथ मिनिमम सिक्सटी मार्क्स तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो अगली वैकेंसी निकली है टेक्निकल में इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच में वैकेंसी निकली हुई अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एक जुलाई नाइनटीन से लेकर तीस जून दो के बीच है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो यहाँ केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है और आपके मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए नेवल आर्किटेक्चर मैकेनिकल मरीन ऑटोमोटिव मेकाट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन या मेटोलॉजी डिजाइन एरोनॉटिकल या एयरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रोमेंटेशन इंस्ट्रोमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो इसी के साथ आपने अगर ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ा हुआ और आपके मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो और अगर आपने थ्री ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों अगर वैकेंसी की बात करें तो जनरल ड्यूटी के लिए तो टोटल थर्टी वैकेंसीज है कॉमर्शियल पाइटलेट लाइसेंस के लिए टेन वैकेंसीज है टेक्निकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में टोटल सिक्स वैकेंसीज हैं एंड टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल फोर वैकेंसीज निकली है अगर आपने डिग्री कंप्लीट की हुई है तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो दोस्तों यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन छः दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट सेवेंटीन दिसंबर रहेगी आप तीनों में से किसी एक ब्रांच के लिए ही अप्लाई कर सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ टोटल टू स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा स्टेज वन में सबसे पहले आप जो अप्लाई करोगे आपके एप्लीकेशन के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड उसके बाद आपको एक प्रीलीमिनरी सिलेक्शन के लिए कॉल किया जाएगा जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगी कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाएगी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट ली जाएगी स्टेज वन क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज टू के लिए कॉल किया जाएगा जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट होगा सारे टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेडिकल फिटनेस चेक की जाएगी सिलेक्शन के बाद आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलेगी लेवल टेन का पे स्केल मिलेगा एंड आपकी बेसिक पे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड रहेगी इसके अलावा बाकी जितने भी अलाउंसेज रहते हैं वो सारे आपको मिलेंगे आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए मेडिकल कवर मिलेगा देन गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलेगा जो कि एक नॉर्मल फ़ीस में आपको मिलता है फोर्टी फाइव डेज अर्ड लीव मिलता है हर साल एट डेज कैजुअल लीव मिलता है इसी के साथ आपको एल मिलेगा आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए इंश्योरेंस कवर मिलता है टोटल एक करोड़ का जिसके लिए आपको पर मंथ वन थाउजेंड का प्रीमियम देना पड़ता है इसी के साथ और भी कई सारी फैसिलिटीज है जो आपको यहां मिलती है दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुए तो अगर आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कर देना इस नोटिफिकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई आप वहां जाकर चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक यू